से लेंगे तो 10 का दें। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक हैं। रमज़ान डे 3 है, सहरी कर रही हूँ, सत्तू और थोड़ा सा ब्रेड ली थी, साथ ही पानी पीने की कोशिश की। और सुबह इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना कि बड़ी मुश्किल से फजर पढ़ के मैं सो गई थी। उसके बाद स्कूल जा रही थी। वो वाला अलग से लेंगे तो 10 का देंगे, उसमें से ऑरेंज में से छोटा सा भी, थोड़ा भी नहीं देंगे। बोलने का टाइम नहीं है ना, ये पूरी जगह स्कूल से आते वक्त ना ये मुझे फ्लावर के कटिंग्स मिले थे। बेसिकली ये कटिंग्स ही है, इसमें रूट्स भी नहीं थे और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और 50 रुपीज़ में ये थोड़े से ले आई और इन्हें लगा दी हूँ अभी पॉट में। इंशाल्लाह जब ये ग्रो कर जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे स्कूल से आ कर के नमाज पढ़ी, फ्रेश हुई, सो गई। उसके बाद इतना लंबा सोई कि इफ्तार के टाइम लेट हो गया, तो मैं जल्दी से उठ कर के ना जो बेसिक प्रिपरेशन थी वो भाभी कर रही थी। मैं जल्दी से अभी यहाँ पे बाकी के काम निपटा रही हूँ। मेरी बहन सैलेड बना रही थी, यहाँ पे गुलगुले के आटा जो है, गुलगुले का आटा वो है, फिर बेसन भी था, यहाँ पे बैंगन है एक। आज हम लोग जो है बैंगन पकौड़े बनाएंगे, तो इसलिए मैं इसे अभी स्लाइसेस कर लूँगी। और सबसे पहले तो डेली की तरह आज भी गुलगुले ही बनाऊँगी। मेरे घर में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए डेली बेसिस ये जो है हमारे यहाँ बनता रहता है। आप लोगों के घर में ये बनता है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज आप लोगों का रोज़ा कैसा रहा, बाकी का 2 रोज़ा कैसा गुजरा, ये सब भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं। और मेरे वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, और अगर कुछ भी और देखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे गुलगुले जो है ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्टली बन गए हैं। इसके बाद आज हमारे यहाँ ना आलू चॉप जो है वो बना रहे थे, तो आलू का मसाला पहले से ही प्रिपेयर था, इसे बस अच्छा थिक सा बेसन का जो पेस्ट होता है घोल हमने बनाया था, और इसे मैं फ्राई कर रही हूँ। साथ ही साथ बैंगन के पकौड़े के लिए बैंगन के स्लाइसेस कट कर दी हूँ। तो अब जो बेसन की कंसिस्टेंसी है ना उसे मैं थोड़ा थिन कर दी थी, और अब इसे हम लोग जो है फ्राई करेंगे। और पीछे से आपको रोने की आवाज़ जो है मेरे भतीजे की आ रही होगी, वो अभी थोड़ा छोटा है तो थोड़ा ज़्यादा रोता है। फिर यहाँ पे बैंगन के पकौड़े जो हैं हमारे तैयार हो गए हैं। और आज इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी ना, मैं जो नमाज़ पढ़ के जहर की सोई हूँ तो असर की नमाज का वक्त जो है वो भी निकला जा रहा था, तब मैं उठी थी, और इस वजह से किचन का काम थोड़ा मेरा डिले हो गया, जिसकी वजह से इफ्तार के टाइम में दुआ भी नहीं कर पाई। हालांकि मैं कुकिंग करते वक्त ही दुआ पढ़ रही थी और कुकिंग कर ही रही थी, तभी अजान भी हो गई। तो इंशाल्लाह कल से कोशिश करूँगी कि अच्छे से थोड़ा जल्दी करूँ। हालांकि इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है ना कि जहाँ मौका मिलता है जहाँ पे बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती है। तो खैर, अल्लाह का शुक्र है रोज़ा खोल ली, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। और नमाज के बाद ना सबसे ज़्यादा जो शिद्दत से जिस चीज़ की तलब होती है ना वो है चाय, क्योंकि सुबह से हम लोग चाय नहीं पिए होते हैं तो सर जो है ना पूरा भारी होता है। आप में से किन किन लोगों को चाय के बिना गुजारा नहीं होता मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।